उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती की शंखनाद शुरू हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुशंसा पर उत्तर प्रदेश में नया शिक्षा चयन आयोग के गठन की जो कवायद थी अब तेज हो चुकी है। पिछले 6 महीने से अभ्यर्थियों की इसी दिन का इंतजार था कि कब आयोग बनकर तैयार होगा और कब आयोग के माध्यम से सभी लंबित भर्तियां एक एक करके पूरी होंगी, जिसमें सबसे पहले अगर एल टी ग्रेड के अभ्यर्थी, एल टी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, सुपर टेट, इसके अलावा तमाम ऐसी भर्तियां हैं जो हायर एजुकेशन के हैं, वो सब इससे प्रभावित हो गई हैं, चाहे वो संस्कृत शिक्षण का हो, यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि जो मदरसों में शिक्षक की नियुक्ति होती थी, एडेड विद्यालय में नियुक्तियां होती थी, तो अब उत्तर प्रदेश में जो सारी शिक्षक भर्तियां होंगी वो एक आयोग के माध्यम से होगी। उस आयोग के गठन की तैयारी अभी तक हवाओं में चल रहा था और ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि अब होगा, अब होगा, तब होगा, लेकिन अब वो समय आ गया है कि 12 लोगों की जो कमेटी थी वो गठित कर दी गई है और अब उत्तर प्रदेश में जल्द से जल्द नए शिक्षक आयोग के सदस्यों के नाम फाइनल हो जाएंगे और ये नया आयोग गठित हो जाएगा। इसकी जो पूरी प्रोफॉर्मा है, इसकी जो पूरी समीकरण बनकर हमारे आपके सामने आ जाएगा और किस तरह से काम करने वाला ये नया आयोग, इस पर से भी एक एक करके पूरा पर्दा उठ जाएगा और हम और आप के लिए सबसे बड़ी खबर है। क्योंकि अगर हम बेसिक शिक्षा की बात करें तो बेसिक शिक्षा में यूपी टेट नया शिक्षा चयन आयोग कराएगा और यही आयोग फिर आगे चलकर शिक्षक भर्ती परीक्षा कराएगा। यहाँ पे दो बातें सबसे पहले समझ में लोग नहीं आ रही, क्या नया शिक्षा चयन आयोग अगर परीक्षा कराएगी क्या सिलेबस में बदलाव करेगा? अगर सिलेबस में बदलाव करेगा तो नए अपडेट क्या होंगे? क्या जिन्होंने अभी तक तैयारी कर रहे, बहुत सारे लोगों ने नोट्स पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, उनके लिए ऐसा क्या होगा? तो उनके लिए भी बातें आपको साफ स्पष्ट कर दे कि सिलेबस में थोड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, बस पैटर्न में बदलाव मिलेगा। और जो भी पैटर्न बदलाव है, आपको जो लोगों ने भी दुर्गेश के नोट्स जिनके पास है वो जो अपडेटेड नोट्स होंगे उनको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे, उसके लिए घबराए नहीं। जो लोग पढ़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो उसी राह पे चलते रहे, जैसे थोड़ा बहुत बदलाव होगा उसी राह पे हम लोग भी आपके साथ चल पड़े, लेकिन बड़े बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे, इस बात के लिए पूरी तरह से आप एकदम निश्चिंत रहिए। दूसरी बड़ी बात यह रही है कि क्या शिक्षक भर्ती परीक्षा किसी दिन से आ नहीं रही, और जब आएगी क्या उसके सिलेबस में परिवर्तन हो जाएगा, क्या उसके सिलेबस में बदलाव देखने को मिलेगा? इस पर भी मैं आपकी बात स्पष्ट कर दूं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा जो उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से होगी, अभी तक इससे कोई संकेत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुशंसा पर भर्ती प्रक्रिया जिस तरह से चल रही थी उसी तरह से चलेगी। एक बड़ा प्रश्न है कि नया चयन आयोग बनेगा, क्या एक बटे अंक जोड़ा जाएगा? अभी तक ऐसा कोई बात नहीं है, पूरी हवा हवाई खबर चल रही है, लेकिन फिर भी अधिक अंकों के लिए आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। एक सवाल है, टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन जारी हुआ था, लोगों ने फॉर्म भर लिया था लगभग 4,000 से ज्यादा पदों पर जिन पर भर्ती होनी थी और उस पर अभी तक प्रवेश पत्र जारी नहीं हो पाया है, तो बीएड अभ्यर्थी जिन्होंने टीजीटी पीजीटी के लिए आवेदन करके भविष्य में सरकारी शिक्षक बनने का सपना सजोए हुए थे, माध्यमिक में क्या उनका सपना साकार होने वाला है? कब तक परीक्षा होगी? तो जैसे ही नया बोर्ड गठित होगा उसके बाद अगला काम ये होगा कि उनकी जो कैलेंडर जारी करना कि परीक्षा कब कब किस किस चरण में होनी है, टीजीटी कब होनी, पीजीटी में कब होनी है और पीजीटी वालों का इंटरव्यू कब होगा, उसकी पूरी शेड्यूल। कुछ लोग अफवाह फैल रही थी कि पीजीटी वालों का इंटरव्यू नहीं होना, तभी तक ऐसी कोई अफवाह, इस पर कतई ध्यान मत दीजिएगा। जिस तरह से जो विज्ञप्ति विज्ञप्ति के आधार पर ही आपकी पूरी परीक्षा प्रणाली होगी और यथाशीघ्र चुनाव से पहले आप सबकी लगभग परीक्षा समाप्त कर ली जाएंगी। और क्योंकि सरकार के ऊपर भी प्रेशर है और उत्तर प्रदेश में लगातार अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के जो अनुशंसा है उसके आधार पर ही सारे काम होने वाले। वैसे आपका सुझाव क्या है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा आप इसमें क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक हम और आप डेली प्रतिदिन इस बात को लेकर चर्चा करते थे कि अब आने वाला, तब आने वाला, फिर होने वाला, लेकिन अब इन सारी बातें जो थी इस पर से पूरा पर्दा उठ चुका है और अब कमेटी भी गठित हो चुकी है और ये कमेटी जल्द से जल्द अपना जो सुझाव है, जो ड्राफ्ट है, वो तैयार करके, मतलब मसौदा तैयार करके पटल पर रखा जाएगा और इस पर जल्दी से, क्योंकि कैबिनेट की मुहर भी लग चुकी है और इसके बाद जैसे ये पास होता है आपकी सारी प्रक्रियाएं तेज गति से पाएंगी। अभी उम्मीद लगाई जा रही है कि चुनाव से पहले, क्योंकि चुनाव जो होना है 24 का चुनाव होना है, उसमें आचार संहिता से पहले ये भर्ती प्रक्रिया लगभग संपन्न हो जाएंगी। तो आचार संहिता कब तक लगेगा, देखिए चुनाव की जब अधिसूचना जारी होती है तो उम्मीद लगाई जा रही है कि जनवरी फरवरी से आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी, उसके पहले तक लगभग भर्तियां पूरी कर ली जाएंगी और नहीं तो परीक्षा करा ली जाएगी, हो सकता है परिणाम भी हो जाए, कुछ को नियुक्ति पत्र भी मिल सकती है, ये संभावना है कोरी कोरी। अब आपको ये बताना है कि आप इसमें कितना हद तक तैयार है, कितनी तैयारी आपकी हो पाई है। जो यूपी टेट सीटेट पास है वो शिक्षक भर्ती की तैयारी जिस तरह से कर रहे तो उसी तरह से आगे करते रहे, डे बाय डे अपने आप को मजबूत करते रहे, क्योंकि आने वाले समय में आपको सिलेक्शन का सबसे सबसे बड़ा आधार है आपकी आज की मेहनत है, इसलिए आप अपनी मेहनत से कभी भी किसी प्रकार से कोई समझौता मत करिएगा। दूसरा बड़ा सवाल ये आ रहा है आप सभी का, टीजीटी पीजीटी के लिए परीक्षाएं कब तक संभावना है? देखिए आयोग गठित होकर मुझे लग रहा है कि हो सकता है पूरा जून ले सकता है, कि पूरा मई, पूरा जून, जुलाई, अगस्त से ये अपना काम शुरू करेगा। जिस तरह अगस्त में परीक्षा हुई थी याद है टीजीटी पीजीटी का, उसी के आसपास परीक्षा होगी। एलटी ग्रेड का भी अध्याचन हो चुका है और आपको भी पता होगा एलटी ग्रेड में आयोग के माध्यम से जो इसके पहले
लोकसेवा आयोग परीक्षा कराती थी, उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग परीक्षा कराती थी। अब यह भी अनुशंसा लगाई जा रही है कि जो नया शिक्षा चयन आयोग होगा उसी के माध्यम से एलटी ग्रेड की परीक्षाएं कराई जाएंगी, वैसे इसका अध्याचन भी हो चुका है। अब एक मामला साथ में बीटीसी बीएड को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उसके फैसले पर भी बहुत कुछ चीजें टिकी हैं, उसका जो फैसला आने के बाद बहुत सारी बातें एकदम साफ और स्पष्ट हो पाएंगी, अभी आगे क्या करना। लेकिन कुछ लोग बीएड के अभ्यर्थी इस बात से घबरा गए कि अभी मैं पढ़ लूंगा, नहीं हो सकता, मैं बाहर कर जाएगा, अंदर कर दिया जाएगा। एकदम घबराइए नहीं, अपनी मेहनत पर फोकस करिएगा, और जो बीटीसी डेलेट के अभ्यर्थी वो भी मेहनत पर ज्यादा ज्यादा करें। उनको कुछ लोग डरा करें सर आपकी एकेडमी हट जाएगी, बिना एकेडमी का आपको परीक्षा देना होगा, टेट के अंक जोड़ जाएंगे, चाहे वो बीटीसी बीएड अभ्यर्थी डीएलएड, सभी को ये डर बना हुआ है। तो आप इस डर को, जो अफवाह है, उसे एक तरफ रखिए, दाया बाया तरफ रखकर अपने जो विजन को क्लियर करिए, अपने एम पर फोकस करिए और हमेशा बेस्ट देने के लिए प्रयास करिए। मार्केट से प्रैक्टिस सेट लेकर प्रैक्टिस सेट पर फोकस करते रहिए, जो वीक जोन है उसे स्ट्रांग करिए, जो स्ट्रांग है उसे रिविजन करते चलिए। जैसे कुछ को गणित की दिक्कत है, कुछ को जीएस विविध में दिक्कत आती है, तो इसके लिए आप लोग मेहनत करते रहें। एक बड़ा सवाल है, सिलेबस में परिवर्तन होगा कि नहीं, एकदम मैंने साफ स्पष्ट बता दिया, सिलेबस में अभी तक कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, आप वही सिलेबस के साथ आप परीक्षाओं की तैयारी करते रहे। थोड़ा बहुत अंतर होगा तो उसके साथ साथ हम लोग भी बदलते रहेंगे, लेकिन मेन जो बेसिक है, जैसे मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, जीएस जीके है, पर्यावरणीय अध्ययन है, विविध के तथ्य है, करंट अवेयरनेस है, सीडीपी है, संस्कृत है, हिंदी है, अंग्रेजी जो भाषा है, मतलब ये जो बेसिक है ना, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। कुछ चीजें ऐड ऑन होंगी, जैसे एनसीएफ 2005 है, नई शिक्षा नीति 2020 है, तो ऐसी चीजें जुड़ेंगी और आपको भी पता क्या क्या जुड़ जाएंगी और किस तरह से परीक्षा के प्रश्न पूछने का पैटर्न है। और इससे ये बात स्पष्ट हो रहा है कि परीक्षा में प्रश्न पूछने का ट्रेंड बदल रहा है, हम लोग नए ट्रेंड पे काम करो और आप लोग भी नए ट्रेंड पे पढ़ रहे हैं, और हमारे ई-लर्निंग पे दुर्गेश के जो नोट्स है वो भी नए ट्रेंड पर है, आपने भी देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने मंगा के रखा होगा। डेली क्लास ई-लर्निंग पे दुर्गेश मेरे द्वारा जब भी मुझे समय मिलता हम आपके लिए निःशुल्क क्लास लेकर आते हैं। शाम के 9 बजे हैं, शाम के 7 बजे क्लासेज हैं, सुबह के 8 बजे क्लासेज हैं, सुबह के 10 बजे हैं, यूपी स्पेशल क्लासेज चली, मतलब सभी क्लासेज कुछ रिकॉर्डेड में, जैसे जब मुझे मौका मिलता है सर आप मैंने रिकॉर्ड कर लिया, दिन में वीडियो पब्लिश हो जाती है, या जब भी मुझे मौका मिलता है मैं आपके लिए बेहतर और बड़ा करने का प्रयास करता रहता हूँ। बस आपको भी साथ देना है, आपको भी साथ बनाए रखना है, ताकि हम सिलेक्शन और करीब पहुंच सके और आपके सपनों को भी चार चांद लगा सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखिएगा। इसके अलावा दो और यूट्यूब चैनल जिस पर भी आपकी क्लासेस चलती हैं, जैसे सुपर टेट विद दुर्गेश सर, उस पर सुपर टेट और यूपी टेट की सीटेट की क्लासेस पूरी रन कर रही हैं। फिर एक है स्टडी विद दुर्गेश सर, उसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। और ई लर्निंग विद दुर्गेश फेसबुक और यूट्यूब वही है जहाँ पर आप डेली क्लासेस को देखते हैं, और यहाँ पे सभी क्लासेस की लिंक और इसकी जो पूरी पीडीएफ होती है वो ई लर्निंग विद दुर्गेश के टेलीग्राम पर मिलती है। टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ सकते हैं, क्योंकि अभी की बार एक्सिट हमारा अपने सपनों को पूरा करना है, और आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपना जान लगा दीजिए, लेकिन जाने मत दीजिएगा। भर्ती कब आएगी, इससे ज्यादा मामला यह है कि पढ़ाई की कंटिन्यूटी अभी कब टूटनी ही चाहिए, क्योंकि भर्ती कभी भी अचानक से आ सकती है। अभी केवीएस को देख लीजिए, केवीएस अचानक से आई और अचानक से शुरू हो गया, अच्छे अभ्यर्थी जो थे वो रेस से भी बाहर हो गए, क्योंकि उन्होंने बीच में गैपिंग मोटिवेट न होने की वजह से वो बीच में पढ़ना बंद कर दिए थे, और जब परीक्षा का रिजल्ट आना शुरू हुआ, जब उसकी आंसर की आनी शुरू हुई, उसके बाद से उनका मनोबल भी डाउन हो गया। क्योंकि हमें खुद से लड़ना है, समाज से लड़ना है, आलोचनाओं से लड़ना है, और आज दिन देखते हैं भ्रष्टाचार की भी बू आती रहती है, उनसे भी लड़ना है, और अंत में आपको सिलेक्शन लेना है। इन सभी संघर्षों के बाद अंत में जो सफल होता है वही अपने परिवार, अपने माँ बाप, अपने खुद के लिए, उन सभी के लिए आंखों का तारा बनता है और अपने सपनों को साकार करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं, अपनी तैयारी जारी रखिएगा। ये ऐसी क्रमिक भर्तियां हैं जो आपको जल्द ही देखने को, पढ़ने को, सोचने को मिल सकती है, तो आप सभी साथी इन पर फोकस करिए, आप सभी साथी इन पर अपना बेहतर और बेस्ट दीजिए। फिर भी कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, कोई भी अगर आपका डाउट है तो इस वीडियो के सेशन में जाइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपका कोई व्यक्तिगत सवाल है तो इन लर्निंग विद दुर्गेश के इंस्टाग्राम पर भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। उम्मीद करता है आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए, लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइएगा आपकी तैयारी कहां तक हो चुकी है और आपका क्या सुझाव है इस नई शिक्षा चयन के गठन में, क्योंकि हो सकता है आपके भी जो कमेंट्स होते हैं, मैसेज होते हैं, बहुत सारे अधिकारी तक भी पहुंचते हैं, वो लोग भी चैनल को फॉलो करते, वीडियोज को देखते रहते हैं, और उनके माध्यम से भी आपकी बातें वहां तक पहुंचेगी, क्या आप सुधार चाहते हैं, किस तरह का नया आयोग आपके लिए काम करे। और एक तरह से अफवाह जो 1/4 का उसको दरकिनार रखिएगा, ये पूरी तरह से कोई अफवाह थी और फिर से ड्राफ्ट बनकर जा रहा है। और कोई अगर आपका प्रश्न भी हो तो कमेंट, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि और लोगों को जो सुझाव है वो हम तक मिल सके, ताकि उस सुझाव पर हम वीडियो बनाए। अगर आप चाहते हैं किसी पॉइंट को क्लियर करना, उस पर भी कमेंट करिएगा, उस पर भी हम आपके लिए वीडियोज बना देंगे, क्योंकि 2023-24 में जो ढेर सारी संभावित भर्तियां हैं वो आपके आने वाले समय की सबसे बड़ी आधार स्तंभ और आपकी मजबूती है। इसलिए
हम बार बार कहते हैं रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप रेस के घोड़े, और आपकी रेस सिलेक्शन से थी, सिलेक्शन से, और सिलेक्शन से रहेगी। हमेशा अपना बेहतर और बेस्ट देते रहेगा। और इलर्निंग विद दुर्गेश सभी नोट्स और क्लास इलर्निंग विद दुर्गेश ऐप पर, वहाँ पर डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हैं। और चाहे तो इलर्निंग विद दुर्गेश के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, वहाँ पूरी प्लेलिस्ट बनी है, उस पर भी आप काम कर सकते हैं, उस पर भी अपना फोकस कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं डेली रात के 9 बजे GS GK की सीरीज 50 प्रश्न आ रही है 50-50। वो वीडियो एग्जाम के लिए भी है, और सुपर टेट के लिए भी है, और LT ग्रेड के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, फर्स्ट के लिए, उन सभी के लिए है जो जो डे बाई डे अपनी तैयारी कर रहे हैं। और TGT PGT वाले भी लगे रहे अपने 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 रेस में, क्योंकि सब नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन जो पढ़ रहा है उसको कल आज से बेहतर होगा। इसलिए आप लोग भी बेहतर करिए और आप लोग भी पढ़िए, क्योंकि सब नहीं पढ़ रहे, और जो पढ़ रहे हैं उनका कल आज से बेहतर होने वाला है कल उनका। इसलिए आप लोग अपने एम पर फोकस करिएगा, हमेशा मोटिवेट रहिएगा, और जब तक सफल न हो जाइएगा तब तक पढ़ना मत बंद करिएगा। कई बार आपका परिवार साथ छोड़ देगा, खुद से टूट जाएंगे, समाज के से टूट जाएंगे, परिस्थितियां आपको तोड़ देगी, लेकिन इनमें जो निखर कर आएगा, जो संघर्ष कर बाहर निकलेगा, उसी का नाम आप होगा। वही आप होंगे जो कल कहेंगे दुर्गेश सर हमने आपकी बात मानी और हम लगातार पढ़े थे रास्ता सफल में। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, टिप्पणियां करेंगे, लेकिन आप हमेशा अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहिएगा, वही आपको अंत्य सफलता दिलाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो सब्सक्राइब करके घंटा दबा दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।